हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ CCS यूनिवर्सिटी के, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जिसका मेरा अभी फिलहाल में रिजल्ट आया है कुछ टाइम पहले। तो मैं उसका फुल रिव्यू दूंगा, कैसा यूनिवर्सिटी है, इसमें एडमिशन करवाएं ना करवाएं, और इसका मतलब प्रोसीजर क्या है और एजुकेशन कैसी है, सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि CCS यूनिवर्सिटी का फुल फॉर्म है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि मेरठ की यूनिवर्सिटी है। और इसके बारे में बताऊं, इसका काफ़ी बेकार रिकॉर्ड रहा है आज तक। इसके अंदर मतलब जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं उनका पूरा प्रोसीजर काफ़ी स्लो है, एडमिशन से लेके एग्ज़ाम तक इसमें सब चीज़ काफ़ी स्लो होती है कुछ भी चीज़। और आपको बता दूँ, काफ़ी बच्चे फेल होते हैं इस यूनिवर्सिटी में। कहने को तो ये यूपी की नहीं, इंडिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और सबसे ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं इसके अंदर। स्टूडेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। आपको बता दूं, मैं खुद फाइनल ईयर में आ गए BA थर्ड ईयर, और फर्स्ट ईयर से मैं पढ़ रहा हूँ, एक भी क्लास मेरी हुई नहीं है। एक्चुअली कोविड के कारण क्लासेस नहीं हो रही थी, तो ऑनलाइन क्लास भी मेरा नहीं हुआ। और पढ़ाई की तो क्या समझो, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उसके अंदर पढ़ाई उड़ाई तो कुछ होता ही नहीं है, रियलिटी है, पढ़ाई नहीं होता। सच बताऊँ, मैंने आपको एग्ज़ाम मैंने दिया था, मेरा एक भी क्लास अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि पढ़ाई हुई नहीं थी, ऑनलाइन क्लास भी नहीं लगा था कोविड में, तो काफ़ी दिक्कत हुई। और आपको बता दूं, इसका जो रिजल्ट है काफ़ी लो आता है, सब बच्चे फेल कर देते हैं। मैं कि पहले तो पढ़ाई होती नहीं है, दूसरी बात बच्चों को भी पास नहीं किया जाता, उनका अच्छा परसेंट नहीं होता, या तो बहुत कम परसेंट से पास होते हैं या तो फेल होते हैं साथ में। आपको बता दूँ, 15-16 बच्चे थे हमारे ग्रुप के, जिसमें से हम 3 बच्चे पास हुए हैं, बाकी सब फेल हैं। तो इसका जो पासिंग कैटेगरिया है उसमें भी ज़्यादा बच्चे पास नहीं होते। यूनिवर्सिटी का ओवरऑल रिव्यू दूँ मैं अपना रिव्यू 2 साल का, तो काफ़ी बुरा रहा है। मैं UG कर रहा हूँ, BA फाइनल ईयर इससे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के MH कॉलेज से। पर मैं आपको बता दूँ, मैं PG इससे बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी एकदम लद्दड़ यूनिवर्सिटी है, सबसे बेकार यूनिवर्सिटी है, मेरा मानना ये है। इसका एग्ज़ाम लेट होते हैं, एग्ज़ाम का रिजल्ट लेट आता है। मेरा एग्ज़ाम हुआ था मई में सेकंड ईयर का, और फर्स्ट ईयर में मैं प्रमोट था, तो मई में एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे और जुलाई में एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। आप सोचिए कितना टाइम ले लिया, जुलाई में एग्ज़ाम ख़त्म हुए और अब जाके मेरा रिजल्ट आया है। सेप्टेम्बर में मेरा रिजल्ट आया था फर्स्ट ईयर का, जो प्रमोट थे सेम वही जो सेकंड ईयर में थे वही रिजल्ट में फर्स्ट ईयर में आया था, और जो सेकंड ईयर का रिजल्ट है अक्टूबर में आया। आप देख लो, मई का एग्ज़ाम किया हुआ है, बच्चे का रिजल्ट आ रहा है अक्टूबर में, आप लगाइए कितना टाइम ले रहे हैं। और एजुकेशन भी इसका काफ़ी बेकार है, काफ़ी अच्छा खासा नहीं है, इतना भी अच्छा नहीं है, बेकार ही है। सबसे ओवरऑल रिव्यू बताऊँ तो सबसे बेकार है। आपको कुछ बड़ा करना है लाइफ में तो इस यूनिवर्सिटी में मत जाइए, कहीं भी चली जाइए इसमें मत जाइए, क्योंकि इसमें बस भीड़ है, पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। यूनिवर्सिटी भी बिल्कुल बेकार है, हर चीज़ स्लो काम है यूनिवर्सिटी का भी। ये था मेरा रिव्यू, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ऐसे नए नए कॉन्टेंट मैं आगे भी लाता रहूँगा। और आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या MMH कॉलेज गाजियाबाद, जो कि गाजियाबाद का मशहूर कॉलेज है MMH, उसके बारे में कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और वीडियो चाहते हैं MMH कॉलेज या चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कॉलेज की यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो भी जरूर बनाऊँगा। और टाटा बाय, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में।